बीजेपी घेर रही है आम आदमी पार्टी को। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है, इसी वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी का सियासी एजेंडा लगातार बता रही है। दिलचस्प यह है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका उन्हें मिल गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उधर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना तो साध रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को आईना भी दिखा रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कोहराम मचा है दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक और चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। पार्टी मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बता रही है और सीबीआई के एक्शन को बीजेपी का सियासी एजेंडा। सीबीआईईडी कुछ नहीं है, जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है, और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और जो स्टिंग आई, स्टिंगों में खुद लोगों ने कहा कि आधा पैसा अवैध रूप से इन्होंने हमसे वापस लिया है। वो स्टिंग तो बीजेपी ने नहीं किए थे, वो स्टिंग आए थे, इन्हीं के लोगों ने स्टिंग किए हैं, वही स्टिंग सामने आए थे। तो इसीलिए एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार का वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियां को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो विपक्ष की दूसरी पार्टियों को भी मौका मिला। कांग्रेस ने बीजेपी पर तो निशाना साधा, मोदी सरकार को भी घेरा, लेकिन आम आदमी पार्टी समेत उन सारी पार्टियों को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना वजूद खड़ा किया। कानून कानून होता है और कानून में अगर आप गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट तय करती है, सड़क थोड़ी तय करता है। जिस तरीके से इन्होंने पहले सड़कों पे जाकर तूफान मचाया था इस देश में और तमाम लोगों को भ्रष्ट डिक्लेयर किया था, आज वही उल्टा इन पे पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है, इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस ही लड्डू बांट रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। कहते थे हम महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप लोग एक करप्ट बेईमान और जिसने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, और ना केवल पैसा इकट्ठा किया, शराब के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को नशा बांट कर पैसा इकट्ठा किया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को भी सरकार को घेरने का मौका मिला। पूरा देश जान रहा है कि क्यों हो रहा है, जो असल मुद्दा था उससे जो है ध्यान तो भटका ही दिया गया। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे ही सभी विपक्ष के दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाई। ये जो दुशाला ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए, हर चीज के अंदर घोटाला है। मनीष सिसोदिया के बहाने उद्धव ठाकरे गुट ने मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है
जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। अब जरा ठीक से समझिएगा, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी या फिर उद्धव गुट, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके किसी न किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो और उस नेता के खिलाफ सीबीआई या ईडी ने एक्शन ना लिया हो। भ्रष्टाचार की चोट बड़ी है और दर्द कॉमन है, लेकिन आरोप भी वही है कि क्या सरकार वाकई विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आज तक ब्यूरो।